नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास ताज़ा अपडेट आई है। एक बड़ी खबर ये है कि नेक्स्ट ईयर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे, कमला हैरिस या ट्रंप, वो इंडिया का दौरा करेंगे। तो भारत ने पहले से इंतजाम कर डाला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, डिप्लोमेटिकली तो यही है, और फिर इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़ा अहम है। इसी तरह वो चाहेगा कि वहाँ जो है भारत के लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिलें वहाँ काम करने की, रेमिटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। बात कि हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। ये भी बताना चाहूंगा चीमा साहब, कल की खबर है अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है भारतीय, गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ। अब इंडियन जो है उनके काम कर रहे हैं, उनका मियार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है, तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, हाँ। वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय अभी इंडिया अमेरिका के बीच रिलेशनशिप की बहुत बातचीत हो रही है, जिसमें इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशनशिप हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के बावजूद काफ़ी तेज़ी और स्ट्रांग तरीके से बढ़ रही है। इसमें कोई दो शक भी नहीं है कि भारत को अपने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए भी अमेरिका की ज़रूरत है। तो वहीं पर इसके साथ साथ इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अमेरिका इंडिया के ऊपर बातचीत का एक और बड़ा कारण है मोदी जी की अमेरिका यात्रा। और ख़ास बात यह है कि मोदी जी की यह अमेरिका यात्रा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान जो उनके शेड्यूल हैं, जो उनके मीटिंग्स हैं अमेरिका के अंदर, उससे साफ पता चलता है कि दुनिया के अंदर भारत की न सिर्फ इस समय बातचीत हो रही है, बल्कि उसी के साथ भारत की इकोनॉमी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ रहा है। और अब भारतीय प्रधानमंत्री का किसी भी देश का यात्रा और उसके कार्यक्रम सिर्फ एक दूसरे से हैंडशेक करने, मिलने मिलाने का नहीं होता, बल्कि उसके इम्प्लिकेशंस, उसके नतीजे, प्रभाव छोड़ते हैं दोनों देशों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, जिसको देखकर ऑफकोर्स पाकिस्तानी परेशान रहते हैं कि पाकिस्तान के साथ। यूएस में आपको पता है इस वक्त तो ऐसा, मतलब आप समझ लें कि गहमा गहमी है, कि इसकी वजह ये कि कल फर्स्ट टाइम ट्रंप और हैरिस आमने सामने होंगे। एक बड़ी खबर ये है कि बिफोर फ्यू वीक्स ऑफ अमेरिकन इलेक्शन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, उसकी अब कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिसमें पता ये चला है कि नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट बाइडन के साथ फेयरवेल मीटिंग होगी। यानी प्रेसिडेंट बाइडन का ये फेयरवेल है, आपको पता है कि वो जा रहे हैं, तो बाइडन साहब के फेयरवेल में मोदी साहब शरीक होंगे। लेकिन यह मीटिंग अकेले नहीं होगी, इसमें और भी कुछ बड़ी पर्सनालिटीज मौजूद हैं। तो जनाब, खबर जो है वो ये है कि मोदी टू हैव फेयरवेल मीटिंग विद बाइडन इन डेलावेयर। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन क्या, तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो ऑब्वियसली कैसे इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या जा सकते हैं? इसकी वजह यह है कि वो तो नहीं है उसके अंदर, क्वाड के अंदर। आपको पता है कि क्वाड समिट भी अटेंड करनी है मोदी साहब ने, और इसके अंदर क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं तो उनके साथ मीटिंग है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया और अमेरिका ने स्वैप किया है अपनी टर्न्स क्वाड के लिए। तो इससे एक और बात पता चलती है कि नेक्स्ट ईयर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे, कमला हैरिस या ट्रंप, वो इंडिया का दौरा करेंगे। तो भारत ने पहले से इंतजाम कर डाला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचेगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं आपके सामने ये डिटेल्स रखूंगी कि मोदी साहब जो कि फ्लाई कर रहे हैं विल्मिंगटन इन डेलावेयर टू मीट बाइडन जस्ट अबाउट 6 वीक्स बिफोर द यूएस इलेक्शंस।
तो जनाब खबर ये है कि नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू हैव ए फेयरवेल मीटिंग विद प्रेसिडेंट जो बाइडन इन द होम सिटी ऑफ द 81 ईयर ओल्ड लीडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन सितंबर 21। तो इसमें क्वाड तो होगी ही, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो मीटिंग है उसमें जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स विल ऑल्सो ज्वाइन, फुमियो किशिदा एंड एंथनी अल्बनीज फॉर समिट ऑफ क्वाड एंड ए फोर नेशन कॉलिशन जिसमें जितने भी लीडर्स हैं वो सब मौजूद होंगे। मैंने पहले भी बात की थी कि जो समिट हो रही है समिट फॉर फ्यूचर अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि ये जो इनका विजिट होगा मोदी साहब का, इस विजिट में बहुत सारी हैपनिंग्स है जिसके अंदर उन्होंने जनरल असेंबली से भी खिताब करना है, यूनाइटेड नेशंस में डॉक्टर जयशंकर ने भी खिताब करना है, फिर उसके बाद उन्होंने एक जो डायस्पोरा का इवेंट है बहुत ही बड़ा जिसमें कुछ 30-40,000 अभी तक लोग हो चुके हैं, उन्होंने अटेंड करना है, वो भी उन्होंने वो अटेंड करना है। और हो सकता है कि क्योंकि बाइडन इन लीडर्स के साथ आखिरी मुलाकात करे होंगे तो कुछ फेयरवेल टाइप कहा जा रहा है कि वो बाकायदा एक इवेंट बन जाए फेयरवेल का। ऑब्वियसली क्वाड तो एक ऐसा इवेंट इस दफा होगा कि वो बाइडन की फेयरवेल के तौर पर भी लिया जाएगा। ये भी बताना चाहूंगा चीमा साहब, कल की खबर है अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है भारतीय, गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, निकेश अरोरा उनका नाम है, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ, पाल्टो आल्टो कंपनी का नाम है जिसके वो सीईओ हैं। $151 मिलियन एक साल की इनकम है डिक्लेयर्ड। अब ऊपर से जो बोनस वगैरह दूसरी चीजें अलग है। चीमा साहब, ना नकेश अरोरा की तीन टांगे हैं ना चार बाजू हैं, बल्कि उसका डीएनए करा के देखें तो हमारे डीएनए से 100% तो मिलता होगा, कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होंगी। वही जबान भारत से वो सीख कर निकला है जो आप और मैं बोल रहे हैं। की वजह, क्या वजह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? क्या 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 बददुआ है? शायद मैं कई दफा सोचने पे मजबूर होता हूं। आप कौन है, मेरा ये क्वेश्चन है आज, बल्कि पूछना चाहूंगा आप कौन है, व्हाट इज योर डेस्टिनी? मेरी समय से बाहर है। आज भी गार्डियन आपको कह रहा है कि तालिबान आपके मोस्ट पॉपुलर बंदे के ऊपर, पाकिस्तान का जिसके बारे में कहा जाता है मुस्तकबिल है, वो बचाएगा पाकिस्तान, मुर्शद है पाकिस्तान है, कप्तान है, आज आर्टिकल लिख दिया उन्होंने गार्डियन वालों, पढ़ना चाहिए आपको। जजों का अपना निजाम है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना निजाम है, एजेंसियों का अपना निजाम है, आपको माफियाज हैं, You are gangs of looting that state. देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान यूज हो रहा है, उसने अमेरिका को इतने हमारे फौजी शहीदों में अफगानिस्तान में 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं, उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला?